Let's start certain questions that are very important. First one, today's first, 8 men and 12 boys can finish the peace of God in 5 days. In 5 days, they can finish the work. Why 6 men and 8 boys? They can finish in 7 days. You can understand. Find the time taken by 1 man and 1 boy alone. Let's have a look at this. 1 man, 1 day's work equal to 1/x, we are assuming, and 1 boy's 1 day's work, that is equal to 1/1. अब कितने मैन है? 8 मैन. 8 मैन है और 12 बॉयज है. 8 मैन एंड 12 बॉयज कंबाइंड वर्क एंड फेस देयर जॉब इन 5 डेज. तो हम लोग क्या करेंगे? राइट, 8 मैन मतलब 8/x एंड 12 बॉयज मतलब 12/y एंड दैट वन जॉब वी आर फेसिंग इन 5 डेज. ये आपका इक्वेशन हुआ 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दूसरे में राइट हम लोग क्या लेंगे? 6 मैन एंड हाउ मेनी बॉयज? 8 बॉयज. सो वी कैन से 6/x एंड दैट जॉब वन जॉब कैन बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज? 7 डेज. लेट्स टेक इक्वेशन 2. नाउ this is not in the standard form of ax plus by plus c. That's why what we need to do, let 1/x equal to a and 1/y equal to b. So first equation, aa plus 12b equal to 1/5. You cannot assume for this. That means 8 5s are 40a plus 60b equal to 1, equation number 3. सिमिलरली इसको सपोज करते हैं तो 6a plus 8b equal to 1/7. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 a, 8 7 56 b equal to 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ नॉट ओनली वी हैव टू डू राइट एलिमिनेशन मेथड और एनी अदर मेथड सो एज टू कंप्लीट दिस. अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये 40a है, 60b है, 42, बराबर. तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल देंगे, या तो फिर राइट हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से सपोज कर देंगे. राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं. या तो सब्स्टिट्यूशन भी मेथड है. सब्स्टिट्यूशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, 60b इक्वल टू 1 माइनस 40a, मतलब कि b इक्वल टू 1 माइनस 40a अपॉन 60. जहां जहां b है, लुक एट दिस b, वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 40a अपॉन 60. राइट, दैट इज इक्वल टू 1. अगर आप देखेंगे तो राइट यहां पे 15 फोर्स है और यहां पे 4 मतलब के 14 फोर्स है. और फिर LCM लेंगे तो 42 इंटू 15, तो वो मल्टीप्लाई करके जाएंगे 42, 4, 20, 5 से 10, 4, 5 से 20 एंड 1, तो ये आपका हो गया राइट 638. राइट, फिर 14 बनजा 14 माइनस 568 एंड माइंड कर ये 58 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ 630 माइनस 560 मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे तो ये हुआ आपका 78 इक्वल टू 1, मतलब कि आपका a इक्वल टू 1/70 हुआ. a 1/70 आया.
कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं इसको, राइट, कोई भी एक इक्वेशन में, तो वी हैव गॉट वन इक्वेशन, नो 40 अपॉन 1 अपॉन 70 प्लस 60 बी इक्वल टू 1, ये आपका कैंसिल, 4 अपॉन 7 को आप लोग उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, राइट दैट एलसीएम लेंगे तो 7 1 7 माइनस 4 3 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 60 बी, आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका 20 हुआ और b आपका आया 1 अपॉन 40, राइट। अगर a 1 अपॉन 70 अपना सपोजिशन क्या है, तो कि a इक्वल टू 1 अपॉन x, मतलब कि x को लगा 70 डेज, और मतलब कि मैन को एक जॉब कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 70 डेज, और बॉयज को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, ऐसा नहीं, 140 डबल ही हो गया, राइट, तो y इक्वल टू 140 डेज, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड सम दैट यू कैन नो अबाउट। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, ऐसा एक सम हमने देखा था, तो places A and B are 160 किलोमीटर apart, ध्यान से देखना ये सम, A and B 160 किलोमीटर apart, बराबर, on a highway, one car starts from A, car A यहां से start होगी, and another car B starts from here, right, and वो लोग सेम टाइम पे निकलते हैं, ये यहां से, राइट, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब कि वो लोग यहां पे पहुंचते हैं, मैंने आगे जब आपको बताया था तो वन स्टार्ट्स फ्रॉम सूरत, वन स्टार्ट्स फ्रॉम वापी एंड दे हैव टू रीच मुंबई, बराबर। नाउ कितना टाइम लिया इसने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये उन लोगों ने, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल बी 8 आवर्स, अब जरा हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब के डिस्टेंस इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया आपका, स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब हम लोग कुछ सपोज करेंगे कि कार ए की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आ एंड स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आ, इतना एज्यूम कर लेते हैं। अब आपका स्पीड आ गया एज्यूम करके, और टाइम जब वो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये यहां से और ये यहां से, और यहां पे पहुंचने का टाइम इन लोगों ने पहले कितना लिया, तो दे हैव टेकन 8 आवर्स ऑलमोस्ट, राइट, 8 आवर्स लिया, मतलब कि अगर डिस्टेंस तो आपका सेम है 160, तो देखो पहले वाले को लगा AQ, यहां से इतना डिस्टेंस लिया, इसमें से अगर आप BQ माइनस कर देते हो तो आपको AB डिस्टेंस मिलेगा, तो AQ माइनस BQ इक्वल टू AB, ये डिस्टेंस ही है, माइंड वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, तो ये 160 किलोमीटर। अब ए क्यू मतलब क्या है, ए क्यू तो स्पीड इसकी कितनी है, ए कार की स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, और उसने कितना टाइम लिया, तो ए, ऐसे बी कार की स्पीड कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर, उसने कितना टाइम लिया, तो उसने भी 8 आवर्स लिया, पर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट, तो सॉरी इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाता है, मतलब कि ax माइनस 8y इक्वल टू 160, अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा यहां पे, राइट, x माइनस y इक्वल टू 20, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे,
अब सेकंड केस अगर आप लोग देखेंगे ना यहाँ पे ए बी और इन बिटवीन, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी चेंज राइट, बट नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये यहां से आता है और ये यहां से आता है, कहीं पे भी थे राइट, मतलब कि आपका पूरा डिस्टेंस 160 दैट इज AP प्लस BD इक्वल टू AB हुआ, डिस्टेंस वही है 160 किलोमीटर, वी आर नॉट चेंजिंग इट एनीमोर, तो AP है, AP मतलब के स्पीड इनटू टाइम, आपका यहां पे भी स्पीड इनटू टाइम माइनर सेम ही है, पहले कार की स्पीड कितनी है तो कि x किलोमीटर पर आवर, और अब जब दोनों आमने सामने मिलते हैं तो क्या दिया है, कितने टाइम में वो वापस मिलते हैं राइट, व्हेन दे कम इन 2 आवर्स, वो वापस जब एक दूसरे को आमने सामने मिलते तो 2 आवर्स, ये यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचता है, ये यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचता है राइट, इवन देन दे टू 8 आवर्स यहां पे इन 2 आवर्स, और अगर y किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 2 आवर इक्वल टू 160, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर में ही आया 2x plus 2y equal to 160, what is common? 2 common, 2 into x plus y equal to 160, hence आपका x plus 180 equal to x plus y equal to कितना आया 80, we have got 2 equation, one is x plus y equal to 80, another is what? x minus y equal to 20, अगर आप लोग देखें तो 2x equal to 100, मतलब कि x equal to आपका कितना हुआ 50 किलोमीटर पर आवर बराबर, is that clear, x आपका कितना हुआ 50 और y का कितना होगा तो कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई, x की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एक और ऐसा डिटो सम देख लेते हैं 160 किलोमीटर का, अब हम लोग 70 किलोमीटर अपार्ट बराबर, दोनों को टाइम लगता है आने जाने का 7 आवर्स और फिर आने का 1 आवर्स, लुक एट दिस, इंस्टेड ऑफ ये 70 किलोमीटर, बाकी सब हम लोग सेम रखते हैं यहां से राइट, डिटो तो नाउ ट्राई टू सी, डिस्टेंस हम लोगों ने लिया 70 किलोमीटर बिटवीन द टू, बाकी सब सेम रखते हैं, एक कार यहां से स्टार्ट करती है, इसकी स्पीड भी डोंट नो तो हम लोगों ने एज्यूम की है x किलोमीटर पर, बी कार यहां से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हमने एज्यूम की है y किलोमीटर पर बराबर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, अब ये यहां से जाएगा यहां तक और ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, ये यहां से जाएगा यहां तक, दैट मींस द सेम एज AQ, पूरा AQ में से ऐसा BQ माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा राइट, AB, AB क्या है तो कि डिस्टेंस है, इस बार आपका डिस्टेंस कितना हुआ है तो कि 70 किलोमीटर बराबर, यहां पे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पहले वाले का माइनस स्पीड इनटू टाइम दूसरे वाले का कार बी का बराबर, क्योंकि कार बी की स्पीड कम लगती है, पहले वाले का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और तब टाइम लेते हैं 7 आवर्स और ये किलोमीटर पर आवर तो आवर आवर कैंसिल हो गया, माइनस दूसरा y किलोमीटर पर आवर उसको भी टाइम वहां पे पहुंचने का स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम लेते हैं राइट, इक्वल टू 70 किलोमीटर, मतलब कि 7x माइनस 7y इक्वल टू कितना हुआ 7, तो व्हाट इज कॉमन x माइनस y इक्वल टू 70, हेंस आपका ये कितना हुआ x माइनस y इक्वल टू 10, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन में, अगर आप लोग देखो तो नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये गाड़ी यहां से ऐसे आती है और ये ऐसे आती है, डोंट थिंक कि वो मिडिल में मिलते हैं राइट, दैट डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड, मतलब के टोटल डिस्टेंस हुआ आपका AP plus BD equal to AB, वो भी किसमें है किलोमीटर में, वो आपका कितना आएगा 7, यहाँ पे भी सेम है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे भी क्या है आपका स्पीड इनटू टाइम, as they are coming from opposite direction right, हम लोग उसको प्लस करेंगे, तो now what is speed, x किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लिया 1 आवर,
यहां पे भी y किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लिया, 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 70, मतलब कि x plus y equal to 70 आपका इक्वेशन बन गया नंबर 2, दैट मींस x minus y equal to कितना हो गया 10, हेंस आपका 2x equal to 80, दैट मींस x equal to कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी का क्या होगा, 40 plus y equal to 70, दैट मींस y की स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, कार ए कौन सी स्पीड से जाती है 40, पर कार बी कौन सी स्पीड से जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं।